चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कठोर हथेली वालों की। जी हाँ, जिनकी हथेली सख्त होती है ऐसे लोग मन और कर्म से कैसे होते हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, जब कुछ कठोरता की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मन से भी हम कठोर हैं, तो हथेली का भी क्या वैसा ही प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। शरीर के एक एक अंग का बेटा असर पड़ता है और शरीर की संरचना हमारे जीवन के बारे में कम से कम 80% कहानी बयान कर देती है। 80%। अब जैसे हम हथेली की बात कर रहे हैं, जरा पैरों की बात करें। हमारे यहां सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन आता है कि जिन महिलाओं के पैर के अंगूठे बेलनाकार होते हैं, मतलब एकदम गोले होते हैं और सुडौल होते हैं और नाखून अच्छा होता है, वो राजलक्ष्मी होती हैं। उनके पति उच्च पदों पर आसीन होते हैं, उनका जीवन हर समय महारानी की तरह व्यतीत होता है, उनके दास दासियों की संख्या नहीं होती है। और जिनका नाखून चिपटा हुआ कछुए के सर की तरह, बाईं तरफ मुड़ा हुआ या सारी उंगलियां आपस में छितराई हुई होती हैं, ऐसे लोगों के पति भार ढो करके अपनी जीविका चलाते हैं, ट्रकों में लोडिंग करके अपनी जीविका चलाते हैं और आजीवन उन्हें अभाव भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। जिन महिलाओं के पैर की सारी उंगलियां सटी हुई होती हैं और साली अंगूठे से बड़ी उनके बगल वाली उंगली होती है, ऐसी स्त्रियां राजलक्ष्मी और सब प्रकार के वैभव से युक्त होती हैं। लेकिन अंगूठे के बगल वाली उंगली अगर अंगूठे से छोटी हो गई है तो पति का स्नेह कम मिलता है, पति का स्नेह उतना नहीं मिल पाता है जितने की वो अधिकारिणी है। और अगर छोटी और उसके बगल वाली उंगली, दो उंगलियां जमीन पर नहीं पड़ती हैं तो ये तो महा अनर्थकारी है, और अगर केवल छोटी उंगली नहीं पड़ती है तो ये थोड़े अनर्थकारी है। पांचों उंगलियां अगर जिस महिला के जमीन पर पड़ते हैं वो सौभाग्य लक्ष्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से पुरुषों के बहुत से लक्षण हैं जिन्हें मैं अभी समय आने पर आपको बताऊंगा। जी, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप बता रहे थे कठोर हथेली वाले कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? कठोर हथेली वाले लोग खूब मेहनती होते हैं। हथेली और उंगलियां समान अनुपात में अगर हों तो ऐसा व्यक्ति स्थिर मन वाला होता है। ऐसे लोग किसी बात को आसानी से समझ लेते हैं। आप कभी किसी का हाथ ऐसे करवा के देखिए, जिसके हाथ में जितना छेद आपको दिखाई देगा, ऐसे हाथ सटाने पर जितना आपको आर पार दिखाई देगा, उसके जीवन में उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। और जिसकी उंगलियां बिल्कुल सटी हुई होंगी और छेद नहीं दिखाई देगा आपको, उसका उतना ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उसकी उतनी ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और अगर उंगलियां इस तरह से करने पर उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ रही हैं, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा आदमी कठोर है, भावुक नहीं है। लेकिन अगर उंगलियां सीधी हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप फैसला लेता है। अब पांच उंगलियों में हथेली से जुड़ी हुई ये छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, यही उंगली सबके हाथों में इससे बड़ी होती है, तर्जनी से बड़ी होती है। आप अपना हाथ देख लीजिए ना, छोटी वाली उंगली जो है, उसके बगल वाली उंगली जो है और अंगूठे के बगल वाली उंगली, दोनों को आप मिलाइए। अब आपके अंगूठे के बगल वाली उंगली छोटी हो जाएगी और ये कनिष्ठिका के बगल वाली उंगली बड़ी हो जाएगी। लेकिन 100 में से एक लोगों की हथेली अगर आप देखिए तो उसमें अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी होती है और ये छोटी उंगली के बगल वाली उंगली छोटी होती है। ऐसे लोग धर्मज्ञ होते हैं, ऐसे लोग नेता होते हैं, ऐसे लोग समाज को दिशा दर्शन देने वाले होते हैं और ऐसे लोग समाज के मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भाग्य के बल पर कुछ भी नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने कर्म के बल पर प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को बहुत आराम भरे जीवन में गुजारना चाहते हैं। और सचमुच में अगर ऐसे लोग हनुमान की उपासना करें,
और हनुमान जी के चरित्रों का अनुगमन करें। हनुमान जी का चरित्र क्या है भाई? हनुमान जी का पहला चरित्र है, कह हनुमंत विपद तब सोई, जब तव कीर्तन भजन होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका कीर्तन भजन ना हो। और हनुमान जी हर समय सिया राममय रहते हैं। हंसी हंसी में सीता जी ने कहा, जब उन्होंने मोती तोड़ दिया तो सीता जी ने कहा, क्या आपके इस शरीर को आप धारण करते हैं, इस शरीर में भी राम जी रहते हैं? हाँ माँ, रहते हैं। अरे कैसे रहते हैं? उन्होंने अपना सीना चीर करके यहाँ राम जानकी को दिखा दिया। तो कहने का मतलब, हनुमान एक ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमानों में भी अग्रगण्य है, बल में भी अतुलित बल धामम, अतुलित बल के स्वामी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम भी अपने कर्म को सुधारें तो हथेलियों के ऊंचे नीचे होने से जो दोष है वो कम हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।